का हम लोग दूसरा पार्ट देखने वाले हैं, और इसके अंदर है इंग्लिश स्पोकन में इंग्लिश सेंटेंसेस, जिसका दूसरा पार्ट है एज डायरेक्टेड, जो कहा गया है। और रूल है इसका V1 प्लस एज डायरेक्टेड, जो वर्ब रहेगा उसको वर्ब का फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लिखना है, और उसके बाद फिर एज डायरेक्टेड को रिप्रेजेंट करना है। जो कहा गया है वही करो, तो इसका हो जाएगा डू एज डायरेक्टेड, उसके बाद फिर है जो कहा गया है वही लिखो। राइट एज डायरेक्टेड, लिखना एक वर्ब है तो राइट आगे आ जाएगा, जो कहा गया है तो ये एज डायरेक्टेड हो गया। जो कहा गया है वही बताओ, टेल एज डायरेक्टेड, उसी टाइप से जो कहा गया है वही पढ़ो। रीड एज डायरेक्टेड, उसी टाइप से जो कहा गया है वही सुनो। लिसन एज डायरेक्टेड, जो कहा गया है वही पकड़ो। कैच एज डायरेक्टेड, जो कहा गया है वही बोलो। स्पीक एज डायरेक्टेड, लास्ट सेंटेंस आपको खुद से बनाना है, जो कहा गया है वही सुनाओ। डू एज डायरेक्टेड का इसका दूसरा मीनिंग भी होता है निर्देशानुसार लिखो, है ना, ये निर्देशानुसार करो, इसी को निर्देशानुसार लिखें, निर्देशानुसार बताएं, तो ये आपका सेंटेंसेस बनता है पार्ट टू का।